अमरोहा में किडनैपिंग के बाद मासूम की हत्या का मामला कर देर शाम हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती, घर पर चिट्ठी डालकर मांगी थी फिरौती। तो थाना नौगावा सादात के गांव बीलना का मामला। अफसर अली हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अफसर, आपसे जानना चाहेंगे, अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख की फिरौती की मांग की थी, किडनैपिंग के बाद मासूम की हत्या का मामला सामने आया है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन? अफसर, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, अफसर अली की आवाज हम तक नहीं आ रही है। फिलहाल आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अमरोहा में किडनैपिंग के बाद मासूम की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कल देर शाम अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती, घर पर चिट्ठी डालकर मांगी थी फिरौती। तो थाना नौगावा सादात का मामला है, गांव बीलना का मामला है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो पहले अपहरण किया गया कल शाम। अफसर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले अपहरण होता है, फिर चिट्ठी डालकर 30 लाख की फिरौती की मांग की जाती है और उसके बाद हत्या की खबर सामने आती है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, लगभग आपको मैं बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र का है, जहां देर रात एक युवक जो था 5 वर्षीय बच्चा घर से खेलते समय गायब हो जाता है। फिर उसी दौरान घर वाले परिजन उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। हालांकि जो परिजन है उन्होंने पुलिस पर गुमसुम की थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। आज सुबह सवेरे एक मस्जिद, जो मस्जिद होती है, मस्जिद के गुंबद में मुंह से तेज करता हुआ युवक का, बालक का शव मिला है और सुबह ही एक घर पे चिट्ठी फेंकी गई थी, जिसमें 30 लाख रुपए नगद कैश और 10 लाख रुपए के सोने की डिमांड की गई थी। और जो बच्चा है वो मस्जिद के गुम्बद के अंदर बंधक बनाकर रखा था, हो सकता है जो ऊपर टेप लगाया हो उसकी वजह से तब घुसने से इस बच्चे की मौत हो सकती है। जी, किसका हाथ हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी? चलिए अफसर अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।